वायु पुराण में अध्याय 9 में सूची बोले, इसके अनंतर ब्रह्मा के ध्यान करने से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई। धीमान ब्रह्मा के शीर से कार्य कारणों के साथ क्षेत्रज्ञ समूह उत्पन्न हुआ। देव असुर पितृ और मानव स्वरूप चतुर्विध प्रजा की सृष्टि के लिए जल राशि के बीच वे आत्मयोग में निरत हो गए। युक्त आत्मा संभव ब्रह्मा सर के लिए ध्यान करने लगे, जिससे सृष्टि कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके जगन में पहले असुर नामक संतान की उत्पत्ति हुई। विप्रगण प्राण को असुर कहते हैं, अतः उनसे जन्म ग्रहण करने के कारण वे असुर कहलाए। ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को उत्पन्न किया, उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। वह त्यक्त शरीर तुरंत ही रात्रि रूप में परिणित हो गया। वह शरीर तमो बहुल था, इससे रात्रि त्रियमाम कहलाई। इसी से संभव की समस्त प्रजा रात में तमोगुण में आवृत्त हो जाती है। देवेश ब्रह्मा ने असुरों को देखकर अव्यक्त और सत्य बहुल दूसरे शरीर को धारण किया। वो शीर को धारण कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। तब आनंद मगन ब्रह्मा के मुख से देवगण उत्पन्न हुए। उस आनंद में ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे देव कहलाए। दिवी धातु का अर्थ है क्रीड़ा। उस दिव्य शीर से उत्पन्न होने के कारण ही वे देवता पद वाच्य हुए। देवेश ब्रह्मा ने देवों की भी सृष्टि करने के पश्चात दूसरे शीर को धारण किया। वह छोड़ा हुआ शीर तुरंत दिन के रूप में परिणित हो गया, इसलिए कर्म अनुष्ठान के लिए दिन में उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा ने सत्य मात्रात्मक दूसरे शीर को धारण किया और पितर की तरह मानकर उन पुत्रों का ध्यान करने लगे। उन्होंने तब दोनों पक्षों के साथ दिन और रात्रि के मध्य में पितरों का सृजन किया, इसलिए उन देवगणों की पितृ संज्ञा हुई और उनका पुत्रत्व भी इसी कारण हुआ। जिस शरीर से ब्रह्मा ने पितरों को उत्पन्न किया, उस शरीर को भी उन्होंने छोड़ दिया। मैं छोड़ा हुआ शरीर तुरंत संध्या के रूप में परिणित हो गया, इसलिए दिन देवों के लिए, रात्रि असुरों के लिए, और दिन और रात्रि के बीच वाली ग्रीष्मी संध्या पितरों के लिए सुखदायक हुई। तब से ऋषि देवता असुर और मनु आदि ब्रह्मा के उस मध्यम शीर संध्या की उपासना करने लगे। ब्रह्मा ने फिर दूसरे शीर को धारण किया। उनका यह शीर रज प्रधान था। उस रज बहुल देश से उन्होंने तब कितने मानस संतानों को उत्पन्न किया। मन से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम मानस पड़ा। प्रजाओं को देखकर उन्होंने अपने शीर को फिर छोड़ दिया। वह त्यक्त शीर तुरंत ज्योत्सना हो गया, इसलिए ज्योत्सना के प्रकट होने पर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। उन महामना ब्रह्मा ने इस प्रकार शीर समुदाय का त्याग किया और वे तुरंत रात्रि दिन संध्या और ज्योत्सना के रूप में हो गए। ज्योत्सना संध्या और दिन सत्व गुणात्मक हैं और रात्रि ताम प्रधान है, इसलिए यह त्रियामा कहलाती है। ब्रह्मा के लिए शीर से उत्पन्न होने के कारण देवता सतत प्रसन्न चित रहते हैं और दिन में उत्पन्न होने के कारण वे दिन में ही अधिक बलवान होते हैं। यथा रात में जगन से असुरों को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, इसलिए रात्रि जात असुर गण रात में असहाय प्राकर्म वाले हो जाते हैं। देव असुर पितृ मनु आदि को भूत भविष्य सभी मनवंतरों में इसी प्रकार उत्पत्ति होती है। ज्योत्सना रात्रि दिन और संध्या का भी प्रादुर्भाव इसी प्रकार होता है। उस एकार्णव जल राशि से ये चारों आभासित होते थे, इसी से जल का नाम अंभस पड़ा। भाधातु व्याप्ति और दीप्ति वाचक है। विद्वानों ने और स्वयं ब्रह्मा ने भी यही कहा है। उन्होंने इस जल को देखकर ही देव दानव मानव पितर और अन्य विबुद्धारी प्रजाओं को बनाया है। ब्रह्मा ने उस शरीर को भी संपूर्ण रूप से छोड़ दिया और फिर रजस्तम प्रधान दूसरे शरीर को धारण किया। उस अंधकार में शुद्ध आकुल होकर उन्होंने दूसरी प्रजा को उत्पन्न किया। उनके द्वारा उत्पन्न वह प्रजा जल को ही खाने के लिए तैयार होगी। हम जल की रक्षा करते हैं, ये कहते हुए जो उत्पन्न हुए वे क्रोधी निशाचर राक्षस कहलाए, जिन्होंने कहा था कि हम जल को ही खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, वे क्रूर कर्मा गुहक यक्ष कहलाए। रक्ष धातु पालनार्थक है, इसी से उसका नाम राक्षस पड़ा।
शी धातु शियार्थक, इसी से उसका नाम यक्ष पड़ा। इस अप्रिय सृष्टि को देखकर धीमान ब्रह्मा की केश असी स्खलित हो गई। वह शीतोष्ण गुणयुक्त सर्पाकार से परित होकर उन्हीं के ऊपर चढ़ने लगी। ब्रह्मा के सिर से हीन होकर अर्थात स्खलित होकर उसने अब सर्पन अर्थात टेढ़ा चलन किया। इससे वह कालात्मा खल स्वभाव हीनत्व के कारण अहि और सर्पन के कारण सर्प पणत्व अर्थात रूपांतर प्राप्ति के कारण पन्नग उनका नाम पड़ा। पृथ्वी के घर में जहां चंद्र सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती वही उनका वास स्थान निर्दिष्ट हुआ। उसमें ब्रह्मा को अग्नितुल्य अत्यंत दारुण क्रोध हुआ। वह क्रोध सांपों के साथ ही उत्पन्न हुआ था, अतः वह भी विष होकर सांपों में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा सांपों को देखकर क्रुद्ध हुए, इसी से उन्होंने क्रोध प्रायण भूत पिशाचों को भी बना दिया। भूमंडल पर आवृत प्राय होने से भूत और पिशित यानी कच्चा मांस खाने के कारण पिशाच ये नाम क्रम से दोनों के लिए पड़े। ब्रह्मा के तेज के पान करने से कारण गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। धे धातु पानार्थक है और मां मानो तेज, अतः तेज के पान करने से उसका नाम गंधर्व पड़ा। ब्रह्मा ने इस प्रकार अष्टविध देव योनि की सृष्टि कर स्वच्छंद भाव से व्यवस्था द्वारा पक्षियों को बनाया। वे छादन करते हैं, छंद और व्यस द्वारा सृष्टि हुए हैं, इसलिए वे पदवाच्य हैं। शून्य को देखकर उन्होंने पक्षियों को बनाया। मुख से बकरे की सृष्टि हुई, वक्षस्थल से व्यस की। ब्रह्मा ने उदर के पार्श्वद्वय से गमों को बनाया। उनके दोनों पैरों से अश्व, हस्ती, शरभ, गवय, मृग, ऊंट, अश्वतर और इस जाति के अन्य पशुगण उत्पन्न हुए। रोमों से औषधि और फल फूल उत्पन्न हुए। प्रभु ब्रह्मा ने इस प्रकार उस त्रेता युग के आदि कल्प में पशुओं और औषधियों की सृष्टि करके यज्ञ कार्य में उनका विनियोग किया। गौ, अज, पुरुष, मेष, अश्व, अस्तर, गदर, गर्धव ये ग्राम्य पशु हैं। अब जंगली पशुओं को भी सुनिए। श्वापद, द्विखुर, हस्ती, वानर, पक्षी, उंदक, उद्बिलाव, सरीसृप ये जंगली पशु हैं। गायत्र, वरुण, तीव्रत, सौम्य, रथंतर, अग्निष्टोम आदि श्रेष्ठ यज्ञ उनके पूर्व मुख से उत्पन्न हुए। छंद, सकल, त्रैष्टुभ, करम, स्तोम, पंचदश, ब्रिसाम, उक्थ इत्यादि उनके दक्षिण मुख से उत्पन्न हुए। साम, जगति, छंद के 15 प्रकार के भेद वह रुप्य, अतिरात्र इत्यादि पश्चिम मुख से और 21 प्रकार का अथर्व, आप्तुर्यामान, अनुष्टुप, वैरास आदि उनके उत्तर मुख से सृष्टि हुए। प्रभु ब्रह्मा ने कल्प के आदिकाल में बिजली, वज्र, मेघ, रोहित वरण, इंद्रधनुष और व्यस का सृजन किया और छोटे बड़े जीव जंतु उनके शीर से उत्पन्न हुए। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति ब्रह्मा से पहले देव, असुर, पितर, प्रजा नामक 4 प्रकार की सृष्टि करके स्थावर 4 आदि अन्य भूतों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, नर, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, उरग, अव्यय, व्यय, स्थावर, जंगम आदि समस्त पदार्थों को बनाया। पहली सृष्टि में इन लोगों ने जैसा कर्म प्राप्त किया था वैसा ही कर्म इन लोगों ने बार बार उत्पन्न किए जाने पर भी पाया। उसी कर्म वासना के अनुरूप वे सब पृथक पृथक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसी से वे सब हिस्न, अहिस्न, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, अनृत आदि विविध कर्मों में अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। विधाता ने स्वयं ही महाभूतों का नानत्व और मूर्ति तथा इंद्रियार्थ समूहों की व्यवहार रीति को निश्चित किया है। विप्रगण, कोई पुरुषाकार, कोई देव और कोई स्वभाव को ही कर्म फलदायक कहकर निरूपण करते हैं, किंतु पुरुषाकार, देव और कर्म से ये तीनों ही स्वभाव के वश फल साधक हैं। इनके बीच न्यून अधिक भाव नहीं है।
प्रत्येक समान भाव से प्रधान है, कोई कर्म इनसे एक के द्वारा संपन्न होता है यह कहा नहीं जा सकता। कर्म सवर्ण समूह का एकत्व द्वित्व आदि भेद कर निर्वाचन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्वस्त ब्रह्मनिष्ठ गण विषय समय को कर्मस्थ कहकर निर्देश करते हैं। महेश्वर ब्रह्मा ने कल्पादि काल में वेद वचन द्वारा भूत समूह के नाम रूप और कर्म आदि का निर्माण किया है। रात्रि के अवसान में और दिल के प्रारंभ काल में भगवान ब्रह्मा पूर्व काल के वेदों का प्रकाश करते हैं और ऋषिगण भी पूर्वकालीन नाम प्रकट करते हैं। विभिन्न ऋतु काल में जिस प्रकार ऋतु चिन्ह विविध प्रकार से व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न युग में भाव समूह भी विविध आकार में प्रकाशित होते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा रात्रि के अवसान में मानसी सिद्धि के द्वारा प्रतिदिन इसी प्रकार सृष्टि क्रम में प्रवृत्त होते हैं। वे प्रत्येक दिन इसी प्रकार स्थावर जंगम आदि की सृष्टि करते हैं। जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार प्रजा वृद्धि नहीं हो रही है, तब भृगु प्लस पुलय क्रतु अंगरा मृचि दक्ष अत्रि और विशिष्ट नामक 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। यही नव ब्राह्मण नाम से प्राणों में प्रसिद्ध हैं। ये सभी ब्रह्मवादी और ब्रह्मचर्य निष्ठ हुए। तब ब्रह्मा ने फिर अपने रोष से रुद्र की सृष्टि की। सबके पूर्ववर्ती ब्रह्मा ने संकल्प और धर्म को भी बनाया। ब्रह्मा ने सबके आगे सनंदन सनक सनातन और सनत कुमार नामक अपने समान ब्रह्मनिष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे सब प्रकार से आसक्त नहीं हुए। प्रत्युत निर्मेक्ष जितेंद्रिय वीतराग मत्सर और भविष्य ज्ञान संपन्न हुए। हिरण्यगर्भ परमेष्टि भगवान ब्रह्मा उन पुत्रों को निरपेक्ष ब्रह्मनिष्ठ होते देखकर चिंता करने लगे। उनके क्रोध करने से सूर्य के समान कांति वाले अग्नि के समान जलती हुई एक मूर्ति उत्पन्न हुई, जिसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। उसके उत्पन्न होते ही चारों ओर सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। वह मूर्ति बोल उठी, अपने को विभक्त करो। ये कहकर वह पुरुष अंतरहित हो गया। इस तरह कहे जाने पर भगवान ब्रह्मा ने अपने को दो भागों में विभक्त किया, एक स्त्री और एक पुरुष। अपनी आधी आत्मा यानी पुरुष मूर्ति को उन्होंने 11 भागों में विभक्त कर दिया और कहा कि महात्मन, तुम लोक संसार के हित दानार्थ सृष्टि विस्तार एवं सृष्टि प्रजाओं की मंगल व्यवस्था करने के लिए अनलस भाव से यत्नपरायण हो। यह सुनकर वे रोने लगे और चारों ओर से द्रवित हो गए। अतः रोदन और पुरोदन के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। यह रुद्रगण संपूर्ण चराचर और सृष्टि प्रपंच को व्याप्त करके विराजमान है। गणेश्वर रुद्रगण सभी सिर्जे हुए भूत प्रपंचों में श्रेष्ठ सर्वलोकपरायण अधिक विक्रमशील और अयुत नामों से भी अधिक बलवान है। हमने पहले ही कहा है कि दक्षिणार्ध के शुक्ल वर्ण और वामार्ध से कृष्ण वर्ण शंकरार्ध शरीरनी एक महान भागा देवी प्रादुर्भूत हुई। उस देवी से भगवान ब्रह्मा ने देवी भाग करने को कहा। द्विजगण उन देवियों का नाम कहते हैं, सुनिए। स्वाहा सदा महाविद्या मेधा लक्ष्मी सरस्ती अपर्णा एकपर्णा पाटला उमा हेमवती षष्ठी कल्याणी ख्याति प्रज्ञा महाभागा और गौरी। इन आर्या देवियों ने ही पृथक पृथक देह धारण करके सृष्टि को व्याप्त किया। संक्षेप से इनके और नामों को भी कहता हूं। प्रकृति नीता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाथनी कालरात्रि महामाया रेवती भूतनायिका द्वापर आदि युग में देवी जिन नामों से प्रसिद्ध होती है उसको भी सुनिए। गौतमी कौशिकी आर्या चंडी कात्यायनी सती कुमारी यादवी देवी वरदा कृष्णा पिंगला बहिर्ध्वजा शूलधरा परम ब्रह्मचारिणी माहिंद्री इंद्रभग्नि वृषकन्या एकवासी अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिंहवाहिनी एकांशना दैत्यहणी माया महिषमर्दिनी अमोघा विंध्य निल्या विक्रांता और गणनायिका। ये समस्त यथाक्रम से उस देवी के नाम भेद हैं। ये देवियों का नाम भद्रकाली का स्तव है। जो आदमी इसे पढ़ते हैं उनका प्रभाव नहीं होता जंगल प्रांतर नगर ग्रह जल और स्थल में।
बाघ, कुंभीर, चोर आदि द्वारा आक्रांत होने पर एवं जितने भी मानस दुख के अवसर हैं उनमें देवी के इन नामों का कीर्तन और रक्षात प्रयोग करें। बाल ग्रह, भूत, पूतना और मात्रक आदि कृष्ट अनिष्ट होने पर बालकों के लिए इस रक्षा प्रयोग कवच को करें। प्रजा और श्री उस महादेवी की मूल मूर्तियां हैं। इन दोनों मूर्तियों से हजार मूर्तियां सम उद्दित होती हैं, जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया है। उस देवी ने कल्प आदि काल के प्रारंभ में व्यवसाय भूत सुख का धर्म और सकल संकल्प का सृजन किया है। अव्यक्त योनि ब्रह्मा के मन से रुचि नामक पुत्र जन्मा एवं प्राण से दक्ष, चतुर्द्वय से मरीचि, हृदय से भृगु, मस्तक से अंगरा, कान से अत्रि, उदान से पुलस, व्यान से पुलय, समान से विशिष्ट, आदान से क्रतु और अभिमान से नील लोहित रुद्र उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र ब्रह्मा के प्राण से उत्पन्न हुए हैं, यही ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। भृगु आदि 9 पुत्र जो श्रेष्ठ हुए वे ब्रह्मवादी हैं, वे प्राचीन ग्रस्त हैं तथा इन्होंने ही पहले धर्म का प्रवर्तन किया है। रुद्र के साथ ये 12 प्रजा का प्रवर्तन करने वाले हैं। रिभु और सनत कुमार सबसे पहले उत्पन्न हुए हैं और दोनों ही उधर रहता है। प्रथम कल्प के अवसान में लोक हित की अभिलाषा से इन दोनों महात्माओं ने अपने तेज का संयमन करके वैराज लोक के आश्रय प्राप्त किया था। महातेजस्वी और महायोगी ये दो ब्रह्मऋषि आत्मा से आत्मा का समाधान करके प्रजाओं के धर्म और काम संग्रह का साधन करते हुए स्थित हुए। वे जैसे जन्मे हैं वैसे ही हैं, इसलिए कुमार कहे जाते हैं और सनत कुमार इसलिए कहे जाते हैं। इन द्वादश ब्रह्मतन्यों की वंश वृद्धि दिव्य, देव गुणवंतित, क्रियायुक्त, प्रजास्वनित और महर्षि गुण अलंकृत हुई। लोक की सृष्टि करने के लिए संभव का जो महान से विशेष पर्यंत प्रकृति विचार विकार है, वे ही चंद्र, सूर्य, आलोक, अंधकार, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, विविधाकार वाले पुर, सुप्रीत, जनपद आदि युक्त जगत प्रपंच में प्रवर्तित हुए हैं। उस अव्यक्त ब्रह्मावन में ब्रह्मा अपना रात्रि काल बिताते हैं। वे ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त बीज से उत्पन्न और उसी के अनुराग से उत्थित अर्थात बड़ा भी है। बुद्धि उसका स्कंद है, इंद्रिगण कोटर, महाभूत शाखा प्रशाखा, विशेष तत्व पत्र, धर्म धर्म पुष्प और सुख दुख उसके फल हैं। ये सनातन वृक्ष संपूर्ण भूतों का आश्रय है। उस ब्रह्म वृक्ष का ये ब्रह्मवन अव्यक्त नित्य और सद सदात्मक कारण है। ये प्रकृत सर के नाम से प्रसिद्ध है। व्यकृत नामक मुख्य सर्ग 6 प्रकार के हैं जो बुद्धिपूर्वक विचारणीय हैं। ये सर्ग अभिमानी ब्रह्मा के तीनों काल में प्रवर्तित होते हैं। ये सर्ग परस्पर एक दूसरे के कारण हैं, ऐसे पंडितों ने कहा है। उस ब्रह्म वृक्ष पर समानाकार और समानाचारी 2 दिव्य पक्षी निवास करते हैं, उनमें केवल एक को वृक्ष का ज्ञान है। उस सर्वात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई इस भूतत्व को जानने वाला नहीं है। विप्रगण, भूलोक जिनका सिर, आकाश को नाभि, चंद्र सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और भूमि को चरण कहकर जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके मुख से ब्राह्मण, छाती के पूर्व भाग से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और चरणों से शूद्र, इस प्रकार सब वर्ण जिनके शीर से उत्पन्न हुए, वही अचिंत्य परमात्मा सब भूतों का उत्पादक है। महेश्वर अव्यक्त से सभी अंड की उत्पत्ति हुई, अंड से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा ने चराचर त्रैलोक्य को उत्पन्न किया। वायु पुराण के 10वें अध्याय में सूत जी बोले, लोककर्ता ब्रह्मा ने इस प्रकार समस्त प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु किसी कारण वे प्रजागण विधि निर्दिष्ट पथ में प्रवृत्त नहीं हुए। इससे ब्रह्मा तमोगुण से आच्छन्न हो गए और दुखी रहने लगे। तब उन्होंने इष्ट सिद्धि का उपाय सोच निकाला और अपने में तामसी शक्ति की सृष्टि की।
प्रजागण राजस भाव को छोड़कर सत्य सगुण अलंबी होकर संतप्त हो रहे हैं। ये देखकर जगतपति पुनः शोक करने लगे। तब उन्होंने तमोभाव को छोड़कर रजोगुण का अवलंबन किया। उस रजोगुण ने उनके तमोगुण को ढक दिया। उस परित्यक्त तमोगुण से एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म के चरण से अधर्म और शोक से हिंसा का जन्म हुआ। इससे ब्रह्मा अत्यंत आनंदित हो गई। अपने उस मलिन शरीर की मलिनता को ब्रह्मा ने दूर कर उस देह को दो भागों में विभक्त किया, जिनमें एक भाग पुरुष हो गया और दूसरा स्त्री। उस स्त्री का नाम शत्रुपा पड़ा। उस प्राकृत और जीवों को धारण करने वाली देवी को ब्रह्मा ने सृष्टि कामना से उत्पन्न किया। उसने अपनी महिमा से ध्यावा पृथ्वी को व्याप्त कर दिया। गमन व्यापनी उस ब्राह्मी तनु ने जो ब्रह्मा के आदि शरीर से उत्पन्न हुई थी और जिसका नाम शत्रुपा पड़ा था, नियुत वर्षों तक परम घोर तपस्या की। उसने दीप्त यश वाले शंभु मनु को पति के रूप में वरण किया। 71 युग का मनवंतर माना गया है। शंभु मनु उस अयोनिजा शत्रुपा को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उनके साथ रमण करने लगे। इसी से उनका एक नाम रति भी पड़ा। कल्प के आदि में वही प्रथम नर नारी संयोग हुआ। ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। विराट से ही वैराज मनु की उत्पत्ति है। वीर सम्राट वैराज मनु ने शत्रुपा के गर्भ से प्रियवत और उत्तानपद नामक दो श्रेष्ठ पुत्रों और आकुति तथा प्रसूति नामनी दो शुभ पुत्रियों को उत्पन्न किया। उन्हीं दो पुत्रियों से ये सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। संभव मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ से सौंप दिया। जो प्राण है वही दक्ष है और संकल्प को मनु कहा जाता है। मनु ने रुचि प्रजापति को आकुति नाम की कन्या दे दी। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि को आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक मिथुन संतान उत्पन्न हुई। उस शंभु मनवंतर में दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। उनका नाम यम पड़ा। यज्ञ का ही दूसरा नाम यम था। उनके पुत्र होने के कारण वे यम कहलाए। वे अजित और शुक नामक दो भागों में विभक्त हैं, किंतु देवी के बीच में वे यम नाम से ही प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रभु ने शंभु मनु की पुत्री प्रभति के गर्भ से संसार की माता स्वरूप 24 पुत्रियों को उत्पन्न किया। वे सभी अत्यंत भाग्यशाली और कमल के समान आंख वाली योगपत्नी, योगमाता और ब्रह्मवादिनी थी। वे सभी संसार की माता थी। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन समस्त दक्ष कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में धारण किया और इनका वरण किया। संभव ब्रह्मा ने धर्म लाभ के लिए इन्हें द्वार रूप से निर्देश किया है। इनको कनिष्ठा सती, ख्याति, संभूति, समृति, प्रीति क्षमा, सन्नति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और सदा नामक एकादश कन्याओं को रुद्र, भृगु, मरीचि, अंगरा, पुला, क्रतु, प्लस, अत्रि, विशिष्ट, पितृगण और अग्नि ने यथाक्रम से वर्णन किया। सती भाव को, ख्याति भृगु को, संभूति मरीचि को, समृति अंगरा को, प्रीति प्लस को, क्षमा पुलय को, सन्निति ऋतु को, अंसुया अत्रि को, ऊर्जा विशिष्ट को, स्वाहा अग्नि को, सदा पितृगण को दी गई। अब इनकी संततियों को भी कहते हैं। वे सब बुद्धिमती और महाभाग्यशाली दक्ष कन्याएं परले काल पर्यंत सभी मनवंतरों में सदाचारों का प्रतिपालन करती हुई स्थित रहती हैं। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृत ने नियम, तुष्टि ने संतोष, पुष्टि ने लाभ, मेधा ने ऋत श्रुत, क्रिया ने नए दंड समय, बुद्धि ने बोध अप्रमाद, लज्जा ने विनय, वपु ने व्यवसाय, शांति ने शोम,
सिद्धि ने सुख एवं कीर्ति ने यश नामक पुत्र को प्रसव किया। ये सब पुत्र धर्म के थे। काम को रति के गर्भ से हर्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्म का यही सुखदायक वंश वर्णन है। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निकृति नाम की कन्या और अनृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनृत को निरृति से भय और नरक नामक दो पुत्र हुए तथा वेदना तथा माया नाम की दो पुत्रियां पैदा हुई। भय को माया से सब भूतों को नष्ट करने वाला मृत्यु नामक पुत्र हुआ। रौरव यानी नरक को वेदना से दुख नामक पुत्र हुआ। मृत्यु को वेदना से जरा, शोक, क्रोध और असूया नामक चार संतान हुई। वेदना की यह संतति दुख में और अधर्म लक्षणों से युक्त है। इन्हें दूसरी भार्या और पुत्र आदि नहीं है और ये सभी अमर हैं। ये तामस सर्ग धर्म का नियामक होकर प्रादुर्भूत होता है। ब्रह्मा ने जब नीलोहित यानी महादेव को प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए कहा, तब उन्होंने भार्या सती का ध्यान करके समस्त गुण स्वभाव वाले आदम सम अनेकानेक मानव संतान को उत्पन्न किया। महादेव के सभी पुत्र रूप तेज बल और ज्ञान में पिता के तुल्य थे। सभी चरम धारण किए हुए थे। वे पिंगल वरण, निशंगदारी, जटिल, कुछ लोहित वरण, वसनहीन, हरित केश, क्रूर दृष्टि और कपालधारी थे। इनमें कोई बहुरूपधारी, विरूप स्वरूप, विश्वरूप, रथी, वर्मी अर्थात कवचधारी, चर्मी, वैरुथी, शतबाहु, शस्त्रबाहु, श्रुचारी, भुविहारी, अंतरिक्षगामी, स्थूल मस्तक वाले, आठ दांत वाले, जिहाहीन, द्विजिह, त्रिलोचन, अतिकाय, क्षितिकंठ, नीलग्रीव, अन्नभोजी, मांसभोजी, घृतपाई, सोमपाई, अतिक्रोधी, धनुर्वर्ण आदि, नाना असधारी, आसीन, घावमान, झंभाई लेने वाले, स्थित, अध्यापनशील, जप करने योग्य, ध्यान करने वाले, ज्वलनशील, वर्षनशील, प्रकाशशील, धोप करने में असक्त, बुद्धवत्तम, ब्रह्मिष्ट, शुभ दर्शन, नीलग्रीव, शस्त्रलोचन, सर्वांगलोचन, रात्रिचारी, सब भूतों के लिए अदृश्य, महायोग युक्त, स्थिर यौवन और महातेजस्वी थे। हजार हजार का दल बांध कर वे सब रोदन और द्रवन कर रहे थे। रुद्रोप श्रोतम की प्रजा सृष्टि देखकर ब्रह्मा ने कहा, आप इस तरह की प्रजा सृष्टि मत कीजिए। रुद्र आपका कल्याण हो। आप अब अपनी तरह इस आकार प्रकार की प्रजाओं को मत उत्पन्न करें। आप मरणशील प्रजाओं की सृष्टि करें। मृत्यु रहित प्रजा कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सुनकर लीलोहित रुद्र ने कहा, आपका कल्याण हो। हम मरणशील प्रजा की सृष्टि नहीं करते। हम इस कर्म से विरत होते हैं। आप ही प्रजा की सृष्टि करें। हमने जो इन नीलोहित विरूप और अपने समान हजारों प्रजाओं को उत्पन्न किया है, वे महाबली देवगण भूलोक और अंतरिक्ष में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होकर यज्ञी देवों के मध्य में परिगणित होंगे एवं शत रुद्र नाम से विख्यात होंगे। सब गुणों के साथ ये यज्ञी भाग का भोग करेंगे। प्रत्येक मनवंतर में छंद समुत्पन्न जो यज्ञी देवता प्रादुर्भूत होंगे, उनके साथ यज्ञी होकर वे महापर्य पर्यंत रहेंगे। धीमान महादेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और भीमूर्ति महादेव से कहा, हे प्रभु, आपका कल्याण हो। आपने जैसा कहा है वैसा ही हो। विधाता के आदेश से ही सब कर्म हुआ करते हैं। तब महादेव ने प्रजा सृष्टि को बंद कर दिया। उस समय से कल्पांत पर्यंत वे स्थानु और उधर रेता होकर रहे। यथा उन्होंने कहा कि हम इस कर्म से विरत होते हैं, ठहर गए, इसलिए उनके नाम स्थानु पड़ा।
ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तपस्या सत्य क्षमा धृति सृष्टि योग्यता शासन गुण और आत्म संबोध से ये 10 गुण शंकर में सदा वर्तमान रहते हैं। देवता असुर और ऋषियों से भी वे अधिक तेजस्वी हैं, इसी से उनका नाम महादेव पड़ा। उन्होंने ऐश्वर्य से देवों को, बल से असुरों को, ज्ञान से ऋषियों को तथा योग द्वारा संपूर्ण भूतों को पराजित किया। ऋषिगण बोले, महामुनि, आपने हम लोगों से महेश्वर का ज्ञान साधन योग तप सत्य और धर्म कहा है। प्रभु, जिस धर्मचरण से द्विजगण सदगति प्राप्त करते हैं उस महेश्वर योग को हम लोग सुनना चाहते हैं। तो वायु कहने लगे, रुद्र ने 5 प्रकार के धर्मों को बताया है जो पुराण में माहेश्वर धर्म के नाम से कहा गया है। अक्लिष्ट कर्मा रुद्रगण आदित्य वसु साध्य दोनों श्री कुमार मरुदगण भृगुवंशीय गण सुरपुरवासी शुक्र यम पितृ काल और अंतक प्रभृति अनेकानेक धार्मिक व्यक्ति उस धर्म का प्रतिपालन करते हैं। इस धर्म के उपासक वासना से रहित और शरद ऋतु के आकाश से के समान निर्मल हो जाते हैं। मुनिगण आत्मा में मन को लगाकर उस धर्म की उपासना करते हैं। इस धर्म के उपासक गुरु के प्रिय हो हितकर कार्य में निरत एवं गुरु के प्रिय पात्र होकर मनुष्य जन्म की कुछ चिंता न कर देवता की तरह विहार करते हैं। महेश्वर ने जिन सनातन 5 धर्मों को कहा है उन्हें हम यथाक्रम से कहते हैं। आप लोग सुने, माहेश्वर योग के प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा और समरण, यही 5 धर्म हैं। उनका क्रमशः लक्षण कारण और तत्व जैसा कि रुद्र ने बताया है हम कहते हैं। प्राण की निरोध को भी प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का प्रमाण 12 मात्रात्मक है। मंद प्राणायाम 12 मात्रात्मक है, इसके 12 उद्घात हैं। मध्यम प्राणायाम 24 मात्रात्मक है, इसके 2 उद्घात हैं। उत्तम प्राणायाम की 63 मात्राएं हैं जो उनके 3 उद्घात हैं। शेद कंब और विषाद जिससे उत्पन्न हो वह उत्तम प्राणायाम है। प्राणायाम का यह विचित्र लक्षण हुआ। प्रमाण और लक्षण भी अब संक्षेप से सुनिए। सिंह हाथी मृग तथा अन्य वनैले पशुओं को पकड़कर पालने से जैसे धीरे धीरे वे मृदा धारण करने लगते हैं वैसे ही अजितेंद्रियों के लिए प्राण भी दुर अधर्ष हैं। योग और अभ्यास के द्वारा ये वशीभूत होता है। वे सिंह या हाथी जैसे दुर्बल हो जाते हैं, यानी कि खाने पीने के अभाव से दुर्बल होकर अहिंसक हो जाते हैं। वैसे ही प्राण भी कालक्रम से योग अभ्यास द्वारा वशीभूत हो जाता है। वही प्राण वायु मानस व्यापार द्वारा संयत होने पर मंद और वश्य हो जाता है और मन अधीन होकर जीवित रहता है। योग अनुष्ठान के द्वारा जब प्राण वायु वश में हो जाती है तब उसे इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां से जा सकते हैं। जैसे जब सिंह और हाथी वशीभूत हो जाते हैं तो मनुष्यों का पशु वे दूर हो जाता है, उन्हें मनुष्यों के कार्य साधक बन जाते हैं। उसी प्रकार वह परिचित प्राणवायु ध्यान द्वारा जब संयत और अनुकूल हो जाता है तब शीर्गत पाप का नाश कर देता है। प्राणायाम करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मणों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सतोव्रती हो जाते हैं। जितनी तरह की तपस्याएं व्रत नियम और यज्ञ फल आदि हैं प्राणायाम भी उन्हीं के समान है। 100 संवत्सरों तक प्रत्येक मास कुछ के अग्रभाग से जल बिंदु पान करने से जो फल होता है वही फल प्राणायाम करने से होता है। प्राणायाम से दोषों का नाश होता है। धारणा से पाप है, प्रत्याहार से विषय समूह का और ध्यान से अनिश्चय गुणों का
नाश होता है। इसलिए योगी को उचित है कि वे प्राणायाम निष्ठ हो, इससे वह विशुद्ध आत्मा होकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। वायु प्राण के अध्याय 11 में पाशुपत योग। वायु बोले, महात्मा ऋषिगण, एक महादिवस अहोरात्र अर्धमास मास अयन वत्सर युग अथवा हजार महायुगों तक तपस्या करते हुए दिव्य चक्षु से प्राण की उपासना करते हैं। इसके आगे हम अब प्राणायाम के प्रयोजन और फल को विशेष प्रकार से कहते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान प्रभु ने कहा है, शांति प्रशांति दीप्ति और प्रसाद, इन चारों को प्राणमय का प्रयोजन समझिए। इस काल अथवा पर काल में देहधारियों द्वारा स्वयं किए हुए अथवा पिता माता द्वारा किए भाइयों द्वारा किए हुए भयंकर अकल्याणकारक कर्म से उत्पन्न कुत्सित पाप समूह का जिससे नाश होता है उसे शांति कहती है। इस लोक और परलोक के हित के लिए लोभ और अश्रेष्य का अभिमान आदि पाप वृत्तियों का जिससे संयम हो उस तपस्या को प्रशांति कहती है। तप प्राण योगी की जिस प्रतिबुद्ध अवस्था में ज्ञान विज्ञान युक्त प्रसिद्ध ऋषियों की तरह चंद्र सूर्य ग्रह तारक आदि और भूत भविष्य वर्तमान का विषय प्रत्यक्ष हो अर्थात अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हो जाए उसे दीप्ति कहते हैं। इंद्रियां इंद्रियार्थ मन और पंचवायु जिससे प्रसन्न हो उसे प्रसाद कहते हैं। ये चार प्रकार का पहला प्राणायाम धर्म हुआ। ये आशु फलदायक और काल भय निवारक है। इसके आगे हम प्राणायाम का लक्षण और योग के लिए योगियों के योग्य आसन बताते हैं। पहले ओमकार का उच्चारण करें और चंद्र सूर्य को प्रणाम करें, फिर स्वस्तिक पदम अर्ध समजानु एक जानु उतान सुस्थित आदि किसी आसन को दृढ़ भाव से लगाकर समकाय हो जाएं और दोनों चरणों को परस्पर मिला दें अथवा दोनों पैरों की एड़ियों द्वारा लिंग तथा दोनों अंडकोश को कुछ निपीड़ित करके ग्रीवा और मस्तक को कुछ ऊपर उठावें, फिर मुंह बंद करके आंखों को मूंद कर बैठ जाए। दिशाओं को नहीं देखें, केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा दें। तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सतोगुण से आच्छादित कर दें। तब सत मात्रा में स्थिर होकर एकाग्र मन से योग अनुष्ठान करें। इंद्रियों विषयों मन और पंचवायु को समवाय द्वारा वश में करके प्रत्याहार का अभ्यास करें। कछुआ जिस प्रकार अपने शरीर का अंकुचन करता है उसी प्रकार योगी संपूर्ण कामों में अर्थात विशेष मुंह से मन को हटाकर एकस्थ होकर आत्मरति करे और आत्मा में ही सबका निरोध करे। ऐसा ही करने से योगी आत्मा का दर्शन अपने में ही करते हैं। योगी बाहर भीतर से शुद्ध होकर प्राणायाम काल में वायु द्वारा नाभि से कंठ पर्यंत पूर्ण करके प्रत्याहार का आरंभ करे। पलक गिरना और उठाना काल को कला या मात्रा कहते हैं। प्राणायाम के लिए 12 मात्रा का काल बताया गया है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है और 2 धारणाओं का एक योग होता है। इस तरह जो योग करता है उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मैं अपने तेज से प्रदीप्त होकर परमात्मा का दर्शन करता है। जितेंद्रिय और प्राणायाम करने वाले ब्राह्मण के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, वह सत्यगुण में प्रतिष्ठित हो जाता है। साधक आहार को नियत करके और प्राणायाम में आसक्त होकर एक एक भूमि को जीतने के बाद आगे बढ़े, यानी प्राणायाम संबंधी पहली अवस्था में पूर्ण करके बाद वाली अवस्था को साधें। पूर्व भूमि को बिना जोते हुए भूमि के लिए उद्यम करने से सम्मोह आदि बहुत तेरे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए
बिना ज्योति हुई अजीता भूमि पर आरोहण ना करें। यंत्र नल के द्वारा जिस प्रकार जल यतन पूर्वक लाए जाने पर पिया जाता है, उसी प्रकार परिश्रमी साधक प्राणवायु को भी ऊपर खींचे यानी प्राणायाम करे। नाभि हृदय कंठ वक्षस्थल मुख नासाग्र नेत्र भूमध्य मस्तक और भ्रमरंध्र में मन को स्थिर करे। प्राण अपान आदि वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं और मन की धारणा ही धारणा कही जाती है। विषयों से निवृत्ति पाने को प्रत्याहार कहते हैं और इन सब की समिष्ट रूप से सिद्धि हो जाने पर योग लक्षण प्रकाशित होता है। उससे उत्पन्न योग की सिद्धि का लक्षण ध्यान है। ध्यान युक्त योगी अपने को सदा सूर्य चंद्र के समान दिखे। सत्गुण की वृद्धि नहीं होने पर अथवा देश काल आदि के विचार से हीन होने पर दर्शन लाभ नहीं होता। अग्नि के निकट वन में सूखे पत्तों के ढेर पर कीड़े मकोड़ों वाली जगह में शमशान में पुरानी गौशाला में चौराहे पर कोलाहल के स्थान पर ड्रामनी जगहों में वृक्ष के नीचे दीमक की मिट्टी से बनी ऊंची भूमि नदी और कुआं आदि के समीप भूखा रहकर वे मन से और व्याकुल चित होकर योगी को ध्यान योग में लीन नहीं होना पड़ता। इन दोषों को बिना विचारे जो प्रमाद से योग साधने लगते हैं उनके शरीर में बहुतेरे विघन कारक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ता बहरापन मुकत्व अंधत्व स्मृति लोप चिरा प्रकृति नाना रोग उत्पन्न होकर योगी को स्थाने लगते हैं। जो ज्ञानवश योग कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं इसलिए ज्ञान पूर्वक शुद्ध चित्त से योगी योग साधना करे। जो सावधान रहते उन्हें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। उन दोषों को भी हम यथाक्रम से कहते हैं जिससे प्राणायाम जनित दोष शांत हो जाते हैं। स्निग्ध पदार्थ मिश्रित गर्म यवागों को खाकर कुछ काल तक उस स्थान पर धारणा करें। इससे वात गुल्म नष्ट होता है। गुदा व्रत को दूर करने के लिए ये चिकित्सा करें कि दही अथवा यवागु का भोजन करें और वायु ग्रंथि का भेदन करके उसे उधर्व देश में परिचालित करें। अगर इससे शांत नहीं हो तो मस्तक से धारणा करें। योगरत सत्यस्थ योगी के देह में अगर गुदा व्रत की पीड़ा हो तो वह वही उपचार करें। जिस योगी के सर्वांग में कंपकंपी प्रारंभ हो जाए वह इस प्रकार चिकित्सा करके सुखी हो सकता है। शीर को स्थिर कर मन से किसी पर्वत की धारणा करें। उरोधात या वक्षोभ्रंश अर्थात छाती का रोग होने से और स्थान या कंठ देश में भी वैसे ही धारणा करें। वाग्रोध होने से वचन में और बधिरत्व होने से कानों में धारणा की जाती है। त्रिनार्थ होने से जिहा स्थान में स्नेहाक्त प्रज्वलित अग्नि की धारणा करें। इस चिकित्सा को जो फल हो उसकी प्रतीक्षा करें फिर तो वह सुखी हो जाएगा। क्षय कुष्ठ और कीलसा आदि राजस योग में सात्विक वृत्ति की धारणा करें। जिस देश में जो विकार उत्पन्न हो वहां वहां सात्विक की धारणा करें। जिस ब्राह्मण को इस प्रकार योग जनित दोष उत्पन्न हो उसको इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। जो भयभीत हो जाए बांस की कील से उसके सिर पर ताड़ना करें अथवा भयभीत योगी के सिर पर लकड़ी की कील को रखकर लकड़ी से खटखटावें। इससे उसकी संज्ञा लौट जाती है। जिसकी संज्ञा लुप्त हो गई हो उसे सिर पर दोनों हाथों से धारणा करावे उसकी संज्ञा फिर आ जाती है।
उसको पुनः मूर्धा में धारणा करनी चाहिए। रोगी को स्निग्ध और थोड़ा भोजन करावे, इससे वह सुख पाता है। योगी जब अमानुष तत्वों का अनुभव करने में समर्थ हो जाए, तब आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी इनकी धारणा करे। वैसी दशा में प्राणायाम के द्वारा सब सत्तत्व दग्ध होकर वशीभूत हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसका निराकरण यह है कि मस्तक में स्तंभन करके धारणा करें और प्राणायाम रूप अग्नि से सबको जला डालें। ऐसा करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। अगर नाग ने डस लिया हो, जो हृदय और उदर में धारणा करें, मह जन तप सत्य लोक की भी हृदय में धारणा करें। अगर विष पी लिया गया हो तो हृदय में विशल्या धारण करें। मन में पर्वत में पृथ्वी की धारणा कर हृदय में देवता समुद्र की धारणा करें। योगी हजार घड़े जल से भी स्नान करे, कंठ मात्र जल में बैठकर मस्तक में धारणा करे, नदी की विपरीत दिशा में रहकर संपूर्ण शरीर में धारणा का आलंबन करे, कवन के सूखे पत्तों की दोनियां बनाकर दीमक की मिट्टी भी पी सकता है। योगज रोग होने पर इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। विख्यात योग निर्माता ने योग द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा संक्षेप में इस प्रकार की विधि कही है। योग संबंधी बातों को हिंसा से नहीं कहना चाहिए, कहें भी तो ब्राह्मणों से ही। मोहवश अगर किसी से ये दिया जाएगा, कह दिया जाए, तो उसका विज्ञान लुप्त हो जाएगा। इसलिए योग की प्रवृत्ति किसी से नहीं करनी चाहिए। सत्वगुण की अधिकता, आरोग्य लोभ का अभाव, कांति, सुंदर स्वर, सुभग मूर्ति, उत्तम वस्त्र, मूत्र पुरीष की अल्पता जब शीर में हो जाए, तब समझना चाहिए कि योग की पहली प्रकृति सिद्ध हो गई। अपने को और पृथ्वी को अगर जलाता हुआ देखे और श्रेष्ठ पदार्थ में प्रवेश कर सके तो सिद्धि को उपस्थिति समझे। वायु पुराण के अध्याय 12 में योग उपसर्ग। सूजी बोले, तत्व दृष्टि संपन्न योगियों को जो उपसर्ग रोग होता है उसे अब हम यथा योग्य इसके आगे कहते हैं। मनुष्योचित विविध कामना, स्त्री प्रसंग अभिलाषा, पुत्र उत्पादन इच्छा, विद्यादान, अग्निहोत्र, हविर्यज्ञ, अन्य तपस्या आदि, धन अर्जन, सप्रीहा स्वर्ग सप्रीहा आदि वस्तुओं में यदि योगी पुरुष आसक्त हो गए हों तो वे अविद्या के वशीभूत हो जाएंगे। उन्हें उपसर्ग या विघ्न समझकर योगी जन इसका विवेचन कर निराकरण करें। प्रतिदिन ब्रह्मनिष्ठ होकर योग अभ्यास करने से ये दोष नष्ट हो जाते हैं। इन उपसर्गों को और श्वास को जीतने वाले योगियों को सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। दूर की ध्वनि सुनने की शक्ति, देवताओं का दर्शन और अभ्रांति सिद्ध का लक्षण कहा गया है। विद्या, कवित्व, शिल्प ने पुण्य, सब भाषाओं का बोध और विद्या का तत्व ज्ञान, सुनने योग्य शब्दों को 100 योजन दूर से भी सुन ले, सर्वज्ञ हों, विधिज्ञ हों और उन्मत्त की तरह रहते हों, वह योग प्रभाव का लक्षण है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि दिव्य दर्शन योगियों के लिए विघ्न रूप हैं। योगी जब सब दिशाओं में देव, दानव, गंधर्व, ऋषि और पितरों को देखने लगते हैं तब वे उन्मत्त हो जाते हैं।
भ्रांत योगी ब्रह्मवश अंतरात्मा द्वारा विचित्र विषय की ओर प्रेरित होने पर भूल जाते हैं। भ्रम से उनकी बुद्धि मारी जाती है और उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अंतरात्मा द्वारा प्रेरित होने पर वार्ता चित्त को नष्ट कर देती है और उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर शीघ्र ही उज्जवल वस्त्र या कंबल से शीर को ढककर मन ही मन पर ब्रह्म का चिंतन करें। इसलिए सिद्ध चाहने वाला मेधावी योगी आत्मजनित दोष और उपस्थित उपसर्गों को दूर कर दे। ऋषि देव गंधर्व यज्ञ उरग महासुर आदि उपसर्ग के वशीभूत होकर बार बार उसी में फंसे रहते हैं। इसलिए योगी जितेंद्रिय होकर थोड़ा खाए, निद्रा को जीते, मूर्धा में शुक्ष की धारणा करे। इंद्रिय को जीतने वाले जो योग युक्त योगी हैं उन्हें फिर प्राण संज्ञक उपसर्ग होता है। ऐसा होने पर पहले योगी संपूर्ण पृथ्वी की धारणा करे, अनंतर अग्नि, संपूर्ण आकाश, मन और पराबुद्धि की यतन पूर्वक धारणा करे। सिद्धि लक्षण को देखकर उसका फिर एक एक कर त्याग करता जाए। पृथ्वी की धारणा करने से पृथ्वी तत्व सूक्ष्म रूप से उनमें प्रविष्ट हो जाता है। योगी उस समय अपने को नित्य पृथ्वी में समझे। ऐसा करने से उसके शरीर से उत्तम गंध निकलने लगती है। जल की धारणा करने से जल का सूक्ष्म तत्व उसमें प्रवेश करता है। अमृत तुल्य शीतल सूक्ष्म रस उसके शरीर में प्रवाहित होने लगता है। तेज की धारणा करने से तेज सूक्ष्म रूप से उसमें संक्रांत हो जाता है। योगी अपने को तेजों में समझने लगता है और उसी भाव को देखता भी है। वायु की धारणा से वायु सूक्ष्म भाव से संक्रांत हो जाता है। योगी अपने को वायु समझता और वायु की तरह वायुमंडल में भ्रमण करने लगता है। आकाश की धारणा करने से सूक्ष्म आकाश संक्रांत होता है और योगी नाद संपन्न होकर उसके सूक्ष्म मंडल को देखने लगता है। वायु की धारणा करने वाला योगी अपने को वायु में नित्य समझने लगता है और वायु सूक्ष्म रूप से उसमें संक्रांत हो जाता है। मन की धारणा करने से मन सूक्ष्म होकर संक्रांत होता है और योगी अपने मन से सबके मन में प्रवेश कर जाता है। बुद्धि द्वारा जब शुद्धि की धारणा की जाती है तब योगी समस्त तत्व बोध में समर्थ होते हैं। इन सप्त सूक्ष्मों को जानकर भी जो योगवित मेधावी इसका परित्याग कर देते हैं वे बुद्धिगुण से परम तत्व को प्राप्त करते हैं। योगी जिस किसी ऐश्वर्यजनक भूत से आसक्त होते हैं और उसका सेवन करते हैं उसी के साथ उसका विनाश हो जाता है। जो ब्राह्मण परस्पर संसक्त सूक्ष्म भूत समूह का परित्याग करते हैं वे परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि दिव्य चक्षु महात्मा ऋषिगण भी सूक्ष्म भावों में लिप्त होने के कारण दोष तुष्ट हो गए हैं। इसलिए सूक्ष्म भाव समूह में एकांत निष्ठावान नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्य से राग उत्पन्न होता है और विराग का ही नाम ब्रह्म है। इन सप्त सूक्ष्म तत्वों और षडंग महेश्वर को जानकर जो योगी क्रियाकलाप में पटु होता है वही परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। विधि तत्व को जानने वाले व्यक्तियों ने प्रभु महेश्वर के ष्टंग तत्व को इस प्रकार बताया है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बुद्धि, स्वतंत्रता, नियत अनिश्वर शक्ति और अनंत शक्ति। जो योगी परब्रह्म को भी नित्य धन समझने लगते हैं उनके सभी उपसर्ग शांत हो जाते हैं। जिसने राग और प्राणायाम जनित उपसर्गों को जीत लिया है उसके लिए वाहिनी शीर में सर्व कार्य साधिका एकमात्र धारणा ही विहित है। योगी जहां जहां जिस भूत विशेष में मन को लगाते हैं वहां वे प्रवेश कर जाते हैं। वे तीनों लोकों को भी कपा सकते हैं। वे देह छोड़कर दूसरे देह में भी प्रवेश कर सकते हैं। सब योगी योगों का द्वार मन है।
आदित्य को भी योग का द्वार कहते हैं, ये इंद्रियों का आदान करते हैं अर्थात इंद्रिय वृत्ति समूह का आकर्षण करते हैं, इससे वे अतिशय कहलाते हैं। इस विधि से योगी विषय से विरक्त होकर तुरंत तत्वों को, सूक्ष्म तत्वों को त्याग करके और प्रकृति का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में निवास पाता है। ऐश्वर्य गुण से संयुक्त होने पर योगी ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। तब वे संपूर्ण देव स्थानों में धारणा नहीं करे, तब वे अपने पिशाच गुण से पिशाच आदि को, राक्षस गुण से राक्षसों को, गंधर्व गुण से गंधर्वों को, कुबेर गुण से कुबेर को, इंद्र गुण से इंद्र को, सौम्य गुण से सोम को, प्रजापत्य से प्रजापति को साधे। ब्रह्म गुण से ब्रह्म की साधना भी योगी करे, वे ही प्रभु सब कार्यों के प्रवर्तक हैं। उनमें आसक्त होने से योगी उन्मत्त अर्थात सिद्ध हो जाता है, उन्हीं से सबका परिवर्तन होता है। इसलिए इन गुण स्थानों का त्याग करके योगी नित्य ब्रह्म में रत हो जाए। इन स्थानों में अनासक्ति योगी सर्वत्र गामी हो जाता है। वायु पुराण के अध्याय 13 में योग ऐश्वर्य निरूपण में वायु बोले, इससे आगे अब हम लोग के ऐश्वर्य के विस्तार को कहते हैं। जिस योग विशेष से तीनों लोग जीते जा सकते हैं, योगियों के लिए 8 प्रकार के ऐश्वर्य कहे गए हैं, उन्हें हम क्रम से कहते हैं, सुनिए। अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व और कामवसायिता। ये सर्व कामिक ऐश्वर्य भी विविध प्रकार का है, जैसे सावध्य, निर्वध्य और सूक्ष्म। सावध्य नाम का जो तत्व है वह पंच भूतात्मक है, निर्वध्य भी पंचभूतात्मक है, स्थूल इंद्रियां मन और अहंकार एवं सूक्ष्म इंद्री मन और अहंकार तथा संपूर्ण आत्मख्याति अष्ट ऐश्वर्यों की ये त्रिविध प्रवृत्तियां हैं। स्थूल और सूक्ष्म सर्वभूतों में ये अष्ट ऐश्वर्य जिस भाव से प्रयुक्त होता है उसे हम ठीक वैसे ही कहते हैं जैसा कि स्वयं प्रभु ब्रह्मा ने कहा है, त्रिलोक्य में जितने जीव जंतु हैं वे सभी उस योगी के वशवर्ती हो जाते हैं जिसने अनिमा ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। तीनों लोकों में प्राणियों द्वारा जो दुष्प्राप्य कहा गया है उसे भी योगी अपने प्रथम अनिमा योग बल से प्राप्त कर लेते हैं। दैत्य ऐश्वर्य लघिमा, लघिमा के द्वारा योगी सब जीवों के बीच शीघ्रता से चले जाते हैं, वे आकाश में उड़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। दैत्य ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा तीनों लोकों के पदार्थ को योगी पा जाते हैं, प्राकम्य के फल स्वरूप इच्छा रूप विषय भोग कर सकते हैं और कहीं भी उनके लिए रोक टोक नहीं हो सकती। महिमा द्वारा एक स्थान में रहकर भी तीनों लोकों की सब वस्तुओं से संयुक्त हो जाते हैं। ईशत्व के प्रभाव से योगी त्रिलोक्यगत संपूर्ण भूतों के सुख दुख विधान में समर्थ होते हैं। वशित्व के द्वारा सभी चराचर योगी के वश हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा के अधीन है। कामवसायिता के प्रभाव से योगी की इच्छा के अनुसार ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और प्राणी भी वशीभूत हो जाते हैं, परंतु वह भी योगी की इच्छा के अधीन ही है। शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप और मन यदि योगी की इच्छा के अनुसार परिवर्तित होते हैं और इच्छा ना होने पर भी तिल भर भी इधर उधर नहीं होते, ऐसे योगी को जन्म, मृत्यु, खेद, छेद, मेह, भेद, दाह, मोह, संयोग, क्षय, शरण, वेद आदि कुछ नहीं होते। वे सभी अवस्था में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य संपादन करते हैं।
गंध रूप रस स्पर्श शब्द वर्ण स्वर आदि उन्हें कुछ नहीं है, वे विषय भोग करते हैं किंतु विषय में लिप्त नहीं होते। परम सूक्ष्म का ज्ञान होने से अपवर्ग होता है क्योंकि अपवर्ग सूक्ष्म है। व्यापक व्यापित्व और अपवर्ग के कारण ही वे पुरुष कहे जाते हैं। पुरुष सूक्ष्म भाव के ऐश्वर्य के चार ओर अवस्थित है। ऐश्वर्यगत अन्य गुण सबकी अपेक्षा शून्य है। मानव अविनाशी उत्तम योग के प्रभाव से परम सूक्ष्म अपवर्ग नामक परम पद को प्राप्त करते हैं।